से पहले बात करते हैं विपक्षी एकता में कांग्रेस से मजबूत गठजोड़ की कवायद की। तो भविष्य में लालू यादव नीतीश कुमार बन सकते हैं कांग्रेस के मददगार। बिहार के दोनों नेता विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के लिए बनवाएंगे जगह। फिलहाल कांग्रेस बिहार और झारखंड में गठबंधन का हिस्सा है, बाकी राज्यों में भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे लालू और नीतीश। यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा में दिलचस्प होगा विपक्षी गठबंधन और इस गठबंधन से चुनावी संभावना पर होगा बड़ा असर। तो उम्मीद यही की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा कि विपक्षी एकता की एक तस्वीर साफ हो। तो विपक्षी एकता में कांग्रेस से मजबूत गठजोड़ की कवायद की जा रही है। भविष्य में लालू यादव नीतीश कुमार बन सकते हैं कांग्रेस के मददगार। बिहार के दोनों नेता विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के लिए बनवाएंगे जगह। फिलहाल कांग्रेस बिहार और झारखंड में गठबंधन का हिस्सा है, बाकी राज्यों में भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे लालू और नीतीश। यूपी, कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा में दिलचस्प होगा विपक्षी गठबंधन और इस गठबंधन से चुनावी संभावना पर होगा बड़ा असर। बीएमसी चुनाव में अभी और देरी के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी को डर है अभी चुनाव हुए तो उद्धव गुट मार सकता है बाजी। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने भी गृहमंत्री शाह को किया था चैलेंज, हिम्मत है तो एक महीने में कराकर दिखाएं बीएमसी का चुनाव। फिलहाल शिंदे गुट और बीजेपी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। पुराने शिव सैनिकों और बाल ठाकरे के समर्थकों को जोड़ने की कर रहे हैं कोशिश। ऐसे में दिवाली के बाद नवंबर दिसंबर से पहले नहीं दिख रही चुनाव की संभावना। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि जो तस्वीर सामने आई है तो ऐसे में अभी और देरी हो सकती है बीएमसी चुनाव में। तो बीजेपी को डर है अभी चुनाव हुए तो उद्धव गुट मार सकता है बाजी। पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने भी गृहमंत्री शाह को चैलेंज किया था और कहा था कि हिम्मत है तो एक महीने में कराकर दिखाएं बीएमसी का चुनाव। फिलहाल शिंदे गुट और बीजेपी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पुराने शिव सैनिकों और बाल ठाकरे के समर्थकों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिवाली के बाद नवंबर और दिसंबर से पहले नहीं दिख रही है चुनाव की संभावना। तो ऐसे में जो कोशिश और कवायद एक और जो शिंदे गुट कर रहा है, दूसरी ओर बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में संभावनाओं की अगर हम बात करें तो यही नजर आ रहा है कि नवंबर और दिसंबर से पहले चुनाव नहीं हो। झारखंड में नहीं गली भाजपा की दाल। हेमंत सोरेन सरकार को गिराने में विफल रही भाजपा। पिछले दो साल से लगातार प्रयासों के बावजूद नहीं मिली सफलता। हेमंत सोरेन और उनके परिवार की हर तरफ से हुई घेराबंदी। लाभ के पद के मामले में इलेक्शन कमीशन में हुई हेमंत सोरेन की शिकायत। इसके अलावा भी भाजपा ने उन्हें घेरने के कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली तो कह रहे हैं हमने हेमंत को जीवन दान दिया। ऐसे में झारखंड में भाजपा की फिसल गए तो हर हर गंगे जैसी हालात। तो झारखंड में जो भाजपा की स्थिति है फिलहाल वो ऐसी बनी हुई है मानो फिसल गए तो हर हर गंगे। तो ऐसे में अब जो तमाम संभावनाएं नजर आ रही है, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यही नजर आ रहा है कि झारखंड में भाजपा की दाल नहीं गली। हेमंत सोरेन सरकार को गिराने में विफल रही है भाजपा। पिछले दो साल से लगातार प्रयासों के बावजूद नहीं मिली है सफलता। हेमंत सोरेन और उनके परिवार की हर तरफ से हुई है घेराबंदी। लाभ के पद के मामले में ईसी में हुई हेमंत सोरेन की शिकायत। इसके अलावा भी भाजपा ने उन्हें घेरने के कई हथकंडे अपनाए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। तो कर रहे हैं हेमंत सोरेन को जीवन दान दिया, यानी कि जो बात कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हमने हेमंत सोरेन को जीवन दान दिया है। तो ऐसे में झारखंड में भाजपा की फिसल गए तो हर हर गंगे जैसी हालत। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव पर टिकी है निगाह। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई है ये सीट। बिश्नोई कांग्रेस छोड़ने के बाद अब भाजपा से लड़ेंगे यहाँ चुनाव। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठोक रहे हैं अलग तार। खुद को साबित करने का मौका खोज रहे हैं हुड्डा, के लिए ये बेहद अच्छा अवसर है। वहीं आम आदमी पार्टी उपचुनाव को देख रही है हरियाणा के गेटवे के तौर पर। तो तमाम सियासी पार्टियां इसको एक मौके की तरह देख रही है और अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जब उपचुनाव होंगे उसके परिणाम सामने आएंगे तो किस तरीके के परिणाम सामने आएंगे। आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं जिस पर सभी की निगाहें टिक चुकी है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई है। बिश्नोई कांग्रेस छोड़ने के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो वहीं अब भाजपा से वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अलग ही ताल ठोक रहे हैं।
खुद को साबित करने का मौका खोज रहे हैं हुड्डा और हुड्डा के लिए एक बेहतरीन अवसर भी है। वहीं आम आदमी पार्टी उपचुनाव को देख रही है हरियाणा के गेटवे के तौर पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का फिर होगा राजस्थान दौरा। 25 सितंबर को सुबह 10:15 पर दिल्ली से विशेष विमान से होंगे रवाना। सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर। सुबह 11:25 तक होगा उनका स्वागत। इसके बाद एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे मुकाम टेम्पल। दोपहर 1:35 पर टेम्पल के पास बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे। वहां से विशेष विमान से दोपहर 1:40 पर होंगे रवाना। दोपहर 2 बजे देशनोक हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:05 पर पहुंचेंगे देशनोक मंदिर। वहां दर्शन करने के बाद सड़क मार्ग से दोपहर 2:35 पर देशनोक हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से विशेष विमान से दोपहर 3:05 पर नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे, जहां दोपहर 3:15 पर उन्हें दी जाएगी विदाई। दोपहर 3:15 पर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से होंगे दिल्ली के लिए रवाना। हाल ही में उपराष्ट्रपति की राजस्थान की तीसरी विजिट हाल ही के इन दिनों में है और ऐसे में ये दौरा उनका बेहद महत्वपूर्ण, कई मायनों में ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वही पूरा स्केड्यूल भी हम आपको बता रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या मिनट टू मिनट उनका स्केड्यूल रहेगा। तो मिनट टू मिनट जो स्केड्यूल है वो आपको एक बार बता देते हैं। 25 सितंबर को सुबह 10:15 पर दिल्ली से वो विशेष विमान से रवाना होंगे। सुबह 11:20 पर बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:25 तक उनका स्वागत होगा। इसके बाद एयरपोर्ट से रवाना होकर वो पहुंचेंगे मुकाम टेम्पल। दोपहर 1:35 पर टेम्पल के पास बने हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे। वहां से विशेष विमान से दोपहर 1:40 पर होंगे रवाना। दोपहर 2 बजे देशनोक हेलीपैड पर पहुंचेंगे। दोपहर 2:05 पर पहुंचेंगे देशनोक मंदिर। वहां दर्शन करने के बाद सड़क मार्ग से दोपहर 2:35 पर देशनोक हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से विशेष विमान से दोपहर 3:05 पर नाल एयरपोर्ट बीकानेर पहुंचेंगे, जहां दोपहर 3:15 तक उन्हें दी जाएगी विदाई। दोपहर 3:15 पर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हाल ही में उपराष्ट्रपति के राजस्थान की तीसरी विजिट। तो हाल ही के इन दिनों में तीसरी विजिट उनकी और कई मायने इस विजिट के निकाले भी जा रहे हैं और बैक टू बैक उनके ये दौरे हैं। राजस्थान की धरती से वो आते हैं तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण उनका ये दौरा हो जाता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा है खर्च का ब्यौरा। इस साल 5 राज्यों के चुनाव में दोनों पार्टियां खर्चे करोड़ों रुपए का ब्यौरा सौंप चुकी है। तो वहीं भाजपा ने विधानसभा चुनाव में खर्च किए हैं 344 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने 194 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5 साल पहले इन्हीं राज्यों में भाजपा ने खर्चे थे 218 करोड़ 26 लाख रुपए। भाजपा ने यूपी में सबसे ज्यादा खर्च किए हैं 221 करोड़ 32 लाख रुपए, पंजाब में 36 करोड़ 70 लाख रुपए, गोवा में 19 करोड़ 7 लाख रुपए, मणिपुर में 23 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए। तो खर्च का ब्यौरा सौंपा गया है और एक बड़ा अमाउंट जो खर्चा गया है। तो भाजपा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपा है खर्च का ब्यौरा। इस साल 5 राज्यों के चुनाव में दोनों पार्टियों ने खर्चे हैं करोड़ों रुपए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में खर्च किए हैं 344 करोड़ रुपए, जबकि कांग्रेस ने 194 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 5 साल पहले इन्हीं राज्यों में भाजपा ने खर्चे थे 218 करोड़ 26 लाख रुपए। भाजपा ने यूपी में सबसे ज्यादा खर्च किए थे 221 करोड़ 32 लाख रुपए, पंजाब में 36 करोड़ 70 लाख रुपए, गोवा में 19 करोड़ 7 लाख रुपए, मणिपुर में 23 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए।